हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ होप करती हूँ आप भी बिल्कुल ठीक होंगे तो अभी बच चुके हैं सुबह के साथ और उठते के साथ ही मुझे अपने बेड को ठीक करने की आदत है पहले मैं अपने बेड को ठीक कर लूँ उसके बाद मैं सोच रही थी कि नाश्ते में क्या बनाऊँ तो मैंने नाश्ते में सोचा कि मैं फ़्राइड नेनवा बना दूँ और प्लेन रोटी माशाल्लाह मेरा नाश्ता बनकर रेडी है और मैं अभी नाश्ता कर लूँगी नाश्ते में मैंने सिंपली तरीके से बिल्कुल नेनवा बनाया है इसे हमारे शहर में नेनवा ही बोलते हैं पता नहीं आप क्या बोलते हैं तो मैंने प्याज़ फ्राई किया और फिर नेनवा फ़्राई कर दिया उसमें और सिंपल दो हरी मिर्च डाल दिए हैं और मैंने यहाँ एक हाफ एक फ्राई लिया है और दो प्लेन रोटी साथ में मैंने पानी और इसके साथ ही मैंने कोकुम्बर भी लिया है फ़्रेश कोकुम्बर अभी सीज़न में बहुत ही अच्छे कोकुंबर आ रहे हैं यहाँ मैं सुबह सुबह न्यूज़ सुन रही हूँ साथ में मैं अपना नाश्ता कर रही हूँ और आज नाश्ता करने के बाद मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है क्या है ना कि मेरे जो हाउस हेल्पर हैं काम में मदद करती हैं उनकी बेटी का यूनिफॉर्म को कटिंग करना है ये मुझे इसके यूनिफॉर्म को कट करना है ये एक उर्दू स्कूल में पढ़ती है वो और उसके मेज़रमेंट को मैं ले रही हूँ ताकि मैं स्लीव्स के लिए भी कपड़े निकाल सकूँ देख लें ज़रा मैंने कट लगा दिया है सूट के लिए और बाकी बचे कपड़ों के लिए मैंने स्लीव्स की कटिंग के लिए निकाल दिए हैं कपड़े पहले मैं अच्छे से सीधा कर लूँगी सारे कपड़े को बीच में एक भी सिलवटें नहीं रहनी चाहिए बिल्कुल कपड़ा आपका सीधा बिछा हुआ होना चाहिए मैं शोल्डर से लेकर नीचे दामन तक उसकी लंबाई को मेज़रमेंट करूँगी सबसे पहले सूट कटिंग करने के लिए आपको लंबाई चाहिए और उसका दामन कितना लंबा है वो चाहिए और यहाँ मैंने पूरा मेज़रमेंट लगा लिया है और मेज़रमेंट लगाने के बाद अब मैं कट दूँगी बिसमिल्ला बिसमिल्ला करके मैं कटिंग करूँगी यहाँ मैंने नेक को सिर्फ दो इंच रखा है पीछे का यहाँ मैं पहले पीछे के कपड़े से सूट को काट रही हूँ फ्रंट को नहीं बैक बैक पार्ट को कटिंग कर रही हूँ बैक पार्ट को कटिंग करने के बाद ही मैं फ्रंट को कटिंग करूँगी यहाँ देखें मैंने बैक को कट कर दिया है पूरा साथ ही मैं पीछे के लिए बैक पार्ट के लिए था मेरा दो इंच का गला और फ्रंट के लिए मैंने पाँच इंच के गले को रखा है यूनिफॉर्म है ना तो गला छोटा ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है ये देखें मैंने स्लिप्स की कटिंग कर दी है और आर्म होल की कटिंग कर दी है ये साथ ही अब मैं बचे हुए कपड़ों में से स्लीव्स की कटिंग करूंगी स्लीव्स की कटिंग करने के लिए मैं कपड़े को फोल्ड कर लूँगी अच्छे से और मैं मेज़रमेंट ले लूँगी और यहाँ मेरी खाला आई हैं वो मुझसे पूछ रही हैं कि क्या कर रही हो तो मैंने बताया खाला कैसी हैं आप उनका हाल चाल लिया और बोला खाला देखें ना मैं स्लीव्स कटिंग कर रही हूँ आप ही कट कर दें इसे और अब खाला जा चुकी हैं और आज मैं डिनर में सोच रही थी कि क्या बनाऊँ तो मैंने खसी का पाया बनाने के लिए सोचा ये देखें ज़रा खसी का पाया थोड़ा स्मेल अजीब कटता है ना ये तो मैंने सोचा पहले इसे दिख रहा है ना आपको फोकस होना चाहिए कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा है एक्चुअली ये देखें और मैंने क्या सोचा ना कि बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही है इसमें से तो मैंने इसे पहले गर्म पानी से धो लिया हालांकि इसे गर्म पानी से मैं नहीं धोती हूँ लेकिन आज एक अजीब सी स्मेल थी और ये मैं अपने लिए नहीं घर वालों के लिए बना रही हूँ मैं ये नहीं खाती और मैंने सबसे पहले एक प्रेशर कुकर को रख दिया है और साथ ही मैंने एक चौ दो चॉप्ड अनियन कट कर लिए हैं बारीक और मैं सबसे पहले सरसों का तेल इसमें ऐड करूंगी थ्री टेबल स्पून ही सरसों डालूंगी मैं सरसों ऑयल और सरसों ऑयल को अच्छे से पकने दें ताकि उसमें चिटकने की आवाज़ आ जाए उसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी दो चॉप्ड कटे हुए अनियन और उसे मैं गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी गोल्डन ब्राउन होने के बाद ही मैं हमेशा मसाले ऐड किया करती हूँ तब तक मैं मसालों की तैयारी करूँगी ये मैंने पाउडर कर लिए हैं धनिया पाउडर वन टेबल स्पून लेकिन मेरा स्पून थोड़ा बड़ा है आप अपने अकॉर्डिंग समझ लें और साथ ही मैंने एक हाफ टेबल स्पून ही समझ लें छोटा स्पून है उससे ज़ीरा और गोल मिर्च पाउडर लिया है साथ में मैंने वन टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर लिया है और मैं यहाँ ले रही हूँ टू टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट अदरक लहसुन का पेस्ट डालना बहुत ज़रूरी है तभी इसकी खुशबू और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा देख लें ये ज़रा समझ लें मसालों को मैंने धनिया पाउडर अदरक लहसुन का पेस्ट ये सारे मसाले लिए हैं और हल्दी पाउडर लिया है ये ज़ीरा गुलमच पाउडर है अब मैं इन मसालों को शामिल करने से पहले पानी डालूंगी। पानी डालने के बाद ही मैं सारे मसाले इसमें शामिल करूंगी मसालों को मैं गोल्डन ब्राउन होने तक भूनूँगी भूनने के बाद ही मैं उसमें पाया फ्राई करूँगी पहले मैं मसालों को अच्छे से फ्राई कर लूं ताकि मसाले तेल से अलग हो जाएं उसके बाद हमें इसमें इसे थोड़ी देर के लिए फ़्राई करना है अपनी कुकिंग में मैं हमेशा ग्रीन चिली को ही ऐड करती हूँ लाल मिर्च खाने से बहुत सारे नुकसान भी होते हैं हालांकि खाना ज़ायका तो बहुत अच्छा देता है ज़बरदस्त होता है लेकिन हरी मिर्च खाने से आपको गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है एसिडिटी नहीं होता है पेट में जलन नहीं होती है और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं ग्रीन चिलीज़ के अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी पाया और मैं उसे भी भून लूंगी थोड़े समय के लिए और भुनने के बाद ही मैं इसमें पानी शामिल करूंगी अच्छे से चला लूँ पहले मैं इसे ये देखें भुन चुके हैं मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है और मैं वन ग्लास वाटर और ऐड करूंगी ताकि ये तीस मिनट से चालीस मिनट तक मैं इसे कुक होने दूँगी बारीक कटी हुई हरी मिर्च धनिया बारीक कटा हुआ और एक लेमन कटा हुआ अब माशाल्लाह हो चुका है मेरा पाया बनकर रेडी मैं उसे चेक कर रही हूँ वो गले हैं या नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छे से गल चुके हैं ये देखें बिल्कुल बहुत ही उम्दा बने हैं और मैं इसे जा रही हूँ सर्व करने क्योंकि टाइम हो चुका है डिनर का और अभी सर्व करने का टाइम है सो देख लें और अब मैं इसे सर्व करूंगी प्लेन रोटी के साथ मैंने अपने लिए फ्राई किया है भिंडी क्योंकि मैंने पहले ही वीडियो में आपको बताया है कि मैं इसे नहीं खाती हाँ घर वालों के लिए ज़रूर बना देती हूँ अब मैं इसमें शामिल करूंगी हरी मिर्च बारीक धनिया कटा हुआ साथ में लेमन लेमन को थोड़ा सा स्क्वीज़ करके इसके बीज को बाहर आउट कर दें इसके बीज ना बहुत नुकसान करते हैं हमें बिल्कुल खाने में ऐड नहीं करना होता है और लेमन को करने के बाद मैं इसे प्लेन रोटी के साथ कर दूँगी सर्व और सर्व करने के बाद मैं अपने लिए फ्राई करूँगी भिंडी ये देखें माशाल्लाह मेरी भिंडी फ्राई हो रही है और मैं भिंडी को ज़्यादा नहीं फ्राई करती थोड़ा हरा हरा ही रखूँगी और साथ में मैं बिल्कुल प्लेन रोटी के साथ इसे खाऊंगी ये देखिए मेरी रोटी भी बनकर तैयार है बाकी लोगों को भी मैं खाना दे दे रही हूँ और मेरा ये डेली व्लॉग कैसा लगा आपको अगर ये अच्छा लगा होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा निहारी पाया बनाने का तरीका मेरा आप लोगों को कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा क्या मैंने कुछ गलतियाँ की हैं और अगर गलतियाँ की हैं तो कमेंट में बताइएगा मैं इन उसे सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी और मेरा पाया का रेसिपी साथ में आपको कैसा लगा क्योंकि मैंने पूरी पाया कैसे बनाई है सब कुछ आपके साथ शेयर किया है ज़रूर बताइएगा कमेंट में तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा दुआ में मुझे याद रखिएगा